पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो है अकाउंटिंग रेशियो, और अकाउंटिंग रेशियो एसके सिंह बुक से हम पढ़ाने वाले हैं, और एसके सिंह बुक में चैप्टर्स नंबर 11 है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग को आज पढ़ना क्या है। अकाउंटिंग रेशियो का सबसे पहले आज के हम लोग टॉपिक देखते हैं कि आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला क्या है। तो टॉपिक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि थ्योरी। आज पूरा कंप्लीट थ्योरी होगा अकाउंटिंग रेशियो का, और थ्योरी में क्या होगा, मीनिंग होगा, मेथड्स होगा एक्सप्रेसिंग का, मतलब कितने मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं अकाउंटिंग रेशियो को। उसके बाद इंपॉर्टेंस होगा, लिमिटेशन होगा, उसका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो की, अकाउंटिंग रेशियो का कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो एक टाइप्स है अकाउंटिंग रेशियो का, उसको कंप्लीट करना है। उसमें से करंट रेशियो, और करंट रेशियो का दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना सारा हम लोग का टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक तो काफी ज्यादा दिख रहा है लेकिन वैसा कुछ नहीं, बस वीडियो 20 से 25 मिनट का ही होगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कहीं स्किप करके देखते फिर आपको बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा जाके। यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो का थ्योरी हम लोग लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो कॉलेज वाला प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग रेशियो के लिए, अकाउंटिंग रेशियो की थ्योरी से, प्लस में वाइवा में पूछा जाता है अकाउंटिंग रेशियो का थ्योरी से। तो अकाउंटिंग रेशियो का थ्योरी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अकाउंटिंग रेशियो से जो हम लोग का क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स एक क्वेश्चन आएगा। तो देखिए हम लोग क्या कहें कि पहले जो पढ़ चुके हैं बैलेंस शीट वगैरह उसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस शीट का यहाँ पे यूज होने वाला आप लोग के लिए। तो बैलेंस शीट को पूरा दिमाग में आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए। और हाँ, हम लोग जो पहले 2-3 चैप्टर कर चुके हैं बहुत इजी वाला चैप्टर था, तो आपको लेजी नहीं बनना, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए आपको एकदम पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा घर में। तो इसीलिए घबराना नहीं कि हमसे नहीं बन रहा या ये हो रहा है या वो हो रहा, उतना इजी में चैप्टर्स को लेकर नहीं चलना, थोड़ा सा डिफिकल्टी चैप्टर से। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ में कि अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता क्या है आखिर में। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो जो कि रेशियो ये हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में CA में। तो रेशियो का मतलब क्या था, मान के चलते हम लोग दो वेरिएबल था, 10/15 था या 20 था, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते थे 1/2, मतलब कि इसको लिखते थे 1:2। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही रेशियो है, कोई अलग रेशियो नहीं है, बट यहाँ पे चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का अकाउंट होता है, या फिर जो बैलेंस शीट का पूरा टर्म है, वो बैलेंस शीट में दो वेरिएबल के बीच में हम लोग का यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो निकालना। देखिए क्या बोलता है, बोलता है इट इज अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, मतलब दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा है, उसका हम लोग का अर्थमेटिक रिलेशनशिप निकालना। जैसे मान के चलते हैं हम लोग के पास में करंट एसेट्स बैलेंस शीट में आता है कि करंट एसेट्स जो हम लोग के पास में है वो दिया हुआ 10। उसके बाद में ले लेते हैं करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के पार्ट में आता है करंट लाइबिलिटीज हम लोग के पास में दिया हुआ 50। तब इसका रेशियो कैसे हम लोग शो करेंगे, तो रेशियो कैसे शो कर देंगे कि CA रेशियो CL मतलब करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा 10:50, 0:0 कट गया 1:5। यही चीज यहाँ पे रेशियो बोल रहा है कि एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है दो अकाउंटिंग वेरिएबल का। दो अकाउंटिंग वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे हम लोग का वर्किंग कैपिटल हो या स्टॉक हो या फिर बैलेंस शीट का वगैरह वगैरह, जितने भी हम लोग का आइटम्स है कुछ भी वो आइटम्स को आप उठा ले लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं कि रेशियो को कितने मेथड से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कितने मेथड से हम लोग को शो करना। तो यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, फर्स्ट में प्योर रेशियो। प्योर रेशियो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेशियो ये निकल गया ना, इसको बोलेंगे प्योर रेशियो, 1/5, 6/1, 3/8, ये सब क्या हो गया एक प्योर रेशियो, अपने आप में एक फुल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्योर रेशियो। नेक्स्ट हम लोग के पास में परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज रेशियो में जिसको हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करते हैं, मान के चलते हैं कि एक हम लोग को कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसमें आ गया 90%, तो ये 90% रेशियो 1 आ गया, तो 90% रेशियो 1%, मतलब क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको 90:1%, इसको क्या बोलेंगे हम लोग परसेंटेज रेशियो, या फिर इतना नहीं तो इसको बस ऐसे शो कर देंगे 90%।
ये परसेंटेज में शो करना है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परसेंटेज रेशियो। उसके बाद क्या है, टाइम्स रेशियो। टाइम्स रेशियो में क्या, कितना गुना है, कितना गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये सब गुना में उसको शो करना। जैसे 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, ये सब क्या हो गया, टाइम्स रेशियो। नेक्स्ट हम लोग का फ्रैक्शन रेशियो। तो देखिए हम लोग का जो एसकेशन बुक है उसमें फ्रैक्शन रेशियो के बारे में बात नहीं किया, और जनरली हम लोग फ्रैक्शन रेशियो में शो नहीं करते क्वेश्चंस को, लेकिन होता भी है फ्रैक्शन रेशियो। तो फ्रैक्शन रेशियो कैसे, आप लोगों को सबको पता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन, 1/8, 2/5, 6/4, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रैक्शन रेशियो। एक फ्रैक्शन में शो करना, भिन्न में जिसको बोलते हैं शो करना, इसको हम लोग अंश अनुपात भी बोलते हैं या फिर भिन्न अनुपात भी बोलते हैं, भिन्न अनुपात। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, अब सोचिए अकाउंटिंग रेशियो का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो से हम लोग को 4 मार्क्स का जैक में थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए इंपॉर्टेंस में सबसे पहले क्या, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने में सहायता। अकाउंटिंग रेशियो से जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कोई भी दो वेरिएबल का, तो हम लोग को डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे मान के चलते हैं मेरे पास में करंट लाइबिलिटीज था 10 रुपया, और सॉरी करंट एसेट था 10 रुपया और करंट लाइबिलिटीज था 50 रुपया। तो हमको आगे का जो प्लानिंग करना, आगे का जो डिसीजन लेना, उसमें सोचना है चीज कि क्या ये मेरे पास रेशियो सही है या गलत है। अगर गलत है इसको हमको इम्प्रूव करना, वही चीज है डिसीजन लेने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब यहाँ पे वो ये चीज डिसीजन देगा कि आप एसेट्स को इम्प्रूव करो, एसेट्स आपका क्या है, कम है। क्लियर हुआ यहाँ पे? नेक्स्ट है हेल्प इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। जब अकाउंटिंग रेशियो से हम लोग दो वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको आगे का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, आगे का जो हम लोग का फोरकास्टिंग करना आगे में, उस चीज के बारे में हेल्प करेगा कि आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे ही सोच लीजिए, मेरे पास में करंट एसेट 10 रुपया और करंट लायबिलिटीज 50 रुपया, तो ये दोनों का हम लोग का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है। रेशियो आ गया हम लोग के पास में 1/5, तो इस 1/5 में आगे का प्लानिंग करना हमको। तो सोच देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास एसेट्स कम ही है और लायबिलिटीज मेरे पास बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं लॉस में चला जा रहा है। तो हमको क्या करना, एसेट्स को इम्प्रूव करना, लायबिलिटीज को डिक्रीज कर देना। ये हम लोगों को क्या करता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग रेशियो। नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके रखता है। मतलब कि कोई भी 2-4 वेरिएबल हम लोग पास में, पूरा बैलेंस शीट का ही 2 वेरिएबल किसी को ले लेते हैं उठा के, जो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो आगे पढ़ना है, वो दोनों वेरिएबल के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करके रखता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज है, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करके रखेगा। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि करंट रेशियो और करंट लायबिलिटीज का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 रहता है, तो 2:1 नहीं है तो इसको लाना है 2:1 पे। ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करके रखेगा, ये बताता है आप कोऑर्डिनेट करो। ये क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंस था हम लोग के पास में। फोर्थ इंपॉर्टेंस है हेल्प इन कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल करने में आपको हेल्प देगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ये हेल्प देगा आपको अकाउंटिंग रेशियो, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में जो भी वेरिएबल्स है वो कहाँ पे कमी आ रहा है, कहाँ पे अधिक हो रहा है, उस चीज को आपको हेल्प करने देगा। क्लियर हो यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात की सीमाएं क्या है। अब इसका देखिए लाभ पर ले तो हानि भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये तो कंफर्म है। अगर किसी चीज का लाभ है तो उसका तो हानि तो पक्का है। तो वही हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ने, अब लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन में देखिए क्या है, विंडोज ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावा। ऊपरी दिखावा मतलब क्या भाई, हम लोग जो भी अकाउंटिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो बैलेंस शीट हो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका 2 वेरिएबल लेके, 2-4 जितने भी, मतलब हम लोग मान के चलते 2 वेरिएबल लेते हैं, तो 2 वेरिएबल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग का 2 वेरिएबल जो है कहीं थोड़ा बहुत मिसिंग किया हुआ, कहीं गलत दिया हुआ, उसके कारण मेरा भी अकाउंटिंग रेशियो गलत आएगा। तो मतलब क्या हो गया, ऊपरी दिखाओ, ऊपर ऊपर ही उड़ गया, पता ही नहीं चला क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है फॉल्स रिजल्ट। वही चीज हुआ कि अगर हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट में कोई वेरिएबल का मिसिंग अमाउंट दिया हुआ है, गलत अमाउंट वहां पे लिखा हुआ है, तो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो क्या आएगा, गलत ही आएगा। क्योंकि हम लोग डिपेंड किस पे हैं, सीधा हम लोग डिपेंड है जाके बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां गलत, तो यहां भी गलत ही करना है। नेक्स्ट हम लोग के पास में
लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, वही चीज बात फिर से आ गया कि हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में कुछ गलत दिया हुआ, वो चीज पूरा हमको नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे सही काम करेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग में ज्ञान की कमी रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो अब कितने प्रकार का हो सकता, तो रेशियो को बेसिकली हम लोग फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, चार भागों में बांटा गया रेशियो को। कौन कौन सा रेशियो है, सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। अब भैया लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, अब लिक्विडिटी रेशियो जो है आगे का जो हम लोग क्लास होगा आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे टोटल टाइप्स को, क्योंकि ये जो चारों टाइप्स है इतने ही हमको पढ़ना है रेशियो। और यहाँ से तो एक थ्योरी का क्वेश्चन तो कंफर्म चार नंबर में आता है क्वेश्चन, से अगर न्यूमेरिकल से चैप्टर से नहीं पूछा तो थ्योरी चार नंबर पूछ दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दो नंबर थी भी दो नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर दो नंबर थी भी चार नंबर क्वेश्चन देता है। तो लिक्विडिटी रेशियो क्यों हिंदी में बोलते हैं, तरलता अनुपात, लिक्विड एकदम तुरंत जो कैश में कन्वर्ट हो जिसको लिक्विडिटी रेशियो हम लोग बोलते हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप्स का पढ़ते हैं, तो देखते हैं आज ही क्लास में हम लोग का खत्म हो जाएगा लिक्विडिटी रेशियो। अब देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो का जो हम लोग है वो लिक्विडिटी को रेशियो को पूरा शो करते हैं प्योर रेशियो में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना हम लोग का एक्सप्रेसिंग, तो लिक्विडिटी रेशियो को प्योर रेशियो में पूरा शो करेंगे। जितना भी लिक्विडिटी का क्वेश्चन होगा जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको सारा प्योर रेशियो में शो करेंगे। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में ये देखते हैं जो भी मेरा लायबिलिटी हो कब तक हम लोग दे पाएंगे, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे अलग क्लास में। और सॉल्वेंसी रेशियो को हम लोग जो शो करते हैं वो भी शो करते हैं हम लोग प्योर ही रेशियो में। एक जो हम लोग का रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसको हम लोग शो करते हैं टाइम्स में, बाकी सारा सॉल्वेंसी रेशियो का जो हम लोग शो करते हैं प्योर रेशियो। नेक्स्ट है एक्टिविटीज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो जो है, एक्टिविटी रेशियो में भी जितने भी रेशियो हम लोग का चार पाँच छः जो भी है वो सारा का सारा टाइम्स में शो ऑफ होगा। और नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है 11th क्लास का ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट सीखना, वो चीज़ हम भी यहाँ पे सिखाएंगे, एक बार आप लोग भी देखें। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो भी रेशियो है सारा का शो करते हैं हम लोग परसेंटेज में। सर याद रखिए लिक्विडिटी को शो करेंगे प्योर रेशियो में, सॉल्वेंसी को शो करेंगे प्योर रेशियो में, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो छोड़ के क्योंकि उसको टाइम्स में शो करते हैं, बाकी जितना भी एक्टिविटी है सारा टाइम्स में जाएगा, और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है सारा परसेंटेज में हम लोग का शो होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ पूरा थी, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग भी बुक घर में अच्छे से रीड कीजिए, जब बुक रीड कीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरलता अनुपात, ध्यान से याद रखिएगा तरलता अनुपात, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बोलता है यहाँ पे, तो लिक्विडिटी रेशियो देखिए बोल रहा है द मेजर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज है शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स है वो सबको मेजर करता है, दैट इज द फर्म एबिलिटी टू पे इट्स करंट ड्यू। मतलब जो भी शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग है उसको फर्म मेजर करता है, और मेजर करके क्या देखता है कि करंट ड्यूज मेरा कितना है और उसको हम पे करने के काबिल है या नहीं है। उसी चीज को देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, सब कुछ अब हिंदी और इंग्लिश साथ में होगा, लिखा हुआ तरलता अनुपात से व्यवसाय की अल्पकालीन ऋण, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म्स का लोन होता है तो शोधन क्षमता का माप किया जाता है, उसको माप करता है, मतलब ये देखता है कि मेरा जितने भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी मतलब लॉन वगैरह होता है ऋण होता है, कि उस सॉल्वेंसी को हम पे करने का एबिलिटी है मेरे पास या नहीं है, वो चीज यहाँ पे करता है क्या लिक्विडिटी रेशियो। आगे देखते हैं, अब लिक्विडिटी रेशियो जो होता है कि टू टाइप्स का होता है, लिक्विडिटी रेशियो दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप्स है करेंट रेशियो, सेकेंड है क्विक रेशियो, जिसको तीन तीन नाम है क्विक रेशियो में। तो पहला करंट रेशियो जिसको चालू अनुपात हिंदी में बोलेंगे, और सेकंड क्विक रेशियो जिसको लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जाना जाता है हिंदी में, तरवित तरलता या अम्ल परीक्षण अनुपात, मतलब क्विक को बोलते हैं तरवित और लिक्विड को बोलते हैं तरलता सॉरी तरल, और एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं अम्ल परीक्षण अनुपात। तो आज हम लोग ये चीज सीख लिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो क्या था, लिक्विडिटी रेशियो के बाद में हम लोग देखें कि लिक्विडिटी रेशियो को कितने टाइप्स होता है, तो टू टाइप्स होता है, कौन कौन, सबसे पहला एक हो गया करंट रेशियो और सेकंड हो गया लिक्विड रेशियो। यहां से अब हम लोग ध्यान देना स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल का और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब लीजिए देख रहे साथ ही साथ की करंट रेशियो क्या बोलता है,
तो करंट रेशियो बोल रहा है इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ करंट एसेट्स विद करंट लायबिलिटीज। मतलब ये बोल रहा है कि करंट रेशियो एक रिलेशनशिप शो कर रहा है, जो किसका रिलेशनशिप है, करंट लायबिलिटीज और करंट रेशियो, सॉरी मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप शो कर रहा। याद रखना है करंट रेशियो का मीनिंग में ही उसका फॉर्मूला भी छुपा हुआ, सब कुछ उसी के साथ में। बस ध्यान से आपको पढ़ना है, यहाँ पे कंसेप्ट बेस पढ़ने चलना है। अगर कंसेप्ट को आप नहीं समझ रहे हैं, कंसेप्ट बेस नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला कम से कम 200 प्लस आपके पास फॉर्मूला आएगा। तो आपको कंसेप्ट बेस्ड पकड़ के चलना। यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप है किसका, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हम लोग जैसे मीनिंग में बोल देते हैं दो अकाउंटिंग वेरिएबल में बोले थे, या तो बैलेंस शीट से हो सकता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकता है। यहाँ पे क्या चीज से देखिए, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हम लोग का बैलेंस शीट का बात कर रहा है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में होता है, तो उसी का यहाँ पर रिलेशनशिप कर रहा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो साथ में फॉर्मूला फटाफट अब आप लोग बना लीजिए, किसका रिलेशनशिप है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। चलिए बन गया आप लोग से, क्या हुआ, क्या है फॉर्मूला करंट रेशियो का, अरे रिलेशनशिप बोला भाई, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये चीज शो करता है कि मेरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितना है फर्म का। अरे यहाँ पे देखिए लीजिए फॉर्मूला लिख दिए, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये कोई मत पूछेगा कि करंट एसेट्स क्या होता है भैया, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हम लोग बैलेंस शीट में देख चुके हैं और हम लोग का न्यूमेरिकल अब स्टार्ट होने वाला है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार जरूर बैलेंस शीट को देखें और जरूर से बैलेंस शीट को पूरा ध्यान में रखें, क्योंकि पूरा रेशियो में आपको बैलेंस शीट यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देख लिए क्या हुआ, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, मतलब फॉर्म के लिए कौन सा बेस्ट रेशियो हो सकता है करंट रेशियो में। तो ये बोला जाता है 2:1 आइडियल रेशियो, किसका, करंट रेशियो का। मतलब 2 रुपया आपके पास में करंट एसेट्स है और 1 रुपया करंट लायबिलिटीज है, तो आपका फॉर्म के लिए क्या है वो बहुत बेस्ट है। ना किसी तरह से लॉस में जाइएगा, ना ज्यादा ही प्रॉफिट में जाइए, मतलब सॉरी प्रॉफिट में तो चले जाइएगा, ज्यादा आपको नुकसान होने वाला नहीं है। तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या हुआ, 2:1। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो। तो आइडियल रेशियो कितना हो गया, 2:1, किसका, करंट रेशियो का। चलिए फिर से एक बार आप लोगों को बताते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। उससे पहले एक बार आप अच्छे से बैलेंस शीट वाला याद कीजिए, करंट एसेट्स में क्या क्या सब हेडिंग था, पूरा टोटल 6 सब हेडिंग हम बताए थे, उसको फिर से रिकॉल कीजिए आप लोग, क्या क्या था 6 सब हेडिंग। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो सब हेडिंग था वो करंट इन्वेस्टमेंट, क्या सही बोल रहे हैं, देखिए आप लोग मैच कीजिए कि फर्स्ट सब हेडिंग था वो क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट, और सेकंड जो सब हेडिंग था वो इन्वेंट्रीज था, इन्वेंट्रीज था, थोड़ा सीरियल इधर उधर भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। इन्वेंट्रीज के बाद क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज से पहले था ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या सही है, पहले याद रखिए, पहले करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, फिर इन्वेंट्रीज, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आगे क्या है, आगे जल्दी बताइए आप लोग, शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांस, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आगे अदर करंट एसेट्स, हाँ ये 6 सब हेडिंग, और ये 6 सब हेडिंग में क्या क्या आता था वो भी आपको अच्छे से पता है, नहीं तो एक बार चलिए शॉर्ट में हम लोग रिविजन लेते हैं, जितना हम लोग को काम का, प्लस में इससे भी और भी आ सकता है, ऐसे नहीं जितना लिखते हैं उतने, नहीं आप उसके लिए बैलेंस शीट में अच्छे सब देखिए। चलिए सबसे पहले लिखे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या दिया भैया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, हम लोग किसको देख रहे हैं, करंट एसेट्स को देख रहे हैं। फिर है चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, मतलब जो मेरे पास में चेक ड्राफ्ट बचा हुआ वो करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या था, एक अकाउंटिंग या सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल जो था, वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही जो पे ऑफ होना, सॉरी जो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते थे करंट एसेट्स, या फिर कोई ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दिया होता उसको 12 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्या, स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें से डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आता था। उसके बाद शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म्स जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, जिसमें से करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट टर्म्स लॉन्स एंड एडवांस, जो हम किसी को कम समय के लिए लॉन्ग एडवांस दे रखा है,
उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एटसेट्रा। बस इतने ही लेक्चर है। किसमें आता था सब आईडी याद कीजिए, किसका था? अदर करंट एसेट्स। हाँ बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स में क्या क्या आता था, ये हम लोग का सब हेडिंग था। इससे भी पहले देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज का कितना सब हेडिंग था। टोटल का टोटल चार सब हेडिंग था। टोटल चार सब हेडिंग में कौन था? सबसे फर्स्ट में जो था वो था शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स, उसके बाद में ट्रेड पेबल, उसके बाद क्या था अदर करंट लायबिलिटीज, उसके बाद एक और क्या था शॉर्ट टर्म्स प्रोविजंस। बिल्कुल सही। अब देख लीजिए पहला क्या है शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग। शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में क्या दे सकता है? डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस जो हमको दे रखा है कोई एडवांस में, लोन पेबल ऑन डिमांड, उसके बाद में है ट्रेड पेबल जिसमें से क्रेडिटर्स और बीपी आता है, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन, अनपेड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉलिंग एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड एटसेट्रा। ये सब का हिंदी आपका बुक में लिखा है, थोड़ा बुक को देखिएगा वरना हिंदी लिखते ज्यादा खचपच लगता नहीं, अच्छा लगता हम लोग को। फिर देखिए शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन। शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन में क्या एक सब हेडिंग है? प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। बस छोटा छोटा कुछ पॉइंट लिखे, इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखे। अब देखिए स्टॉक, यहाँ पे वर्किंग नोट नोट करके आप लोगों को लिख दिया स्टॉक। स्टॉक इक्वल टू क्या आता है आप लोगों को पता था उस टाइम जिस टाइम बैलेंस शीट किए थे, कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एटसेट्रा। बस इतने ही लेके चले हम। अब आगे अब क्या करते हैं हम लोग, इस पे क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो भी आइटम्स है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए एक बार, क्योंकि ये जो आइटम्स है वो आपको यहाँ पे ही नहीं सिर्फ काम देने वाला, आगे के जितने भी रेशियो हम लोग पढ़ने वाले कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा ना थोड़ा आपको हेल्प करेगा। तो हर एक जगह पे इसका इंपॉर्टेंस है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में बिठाइए सबको। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बुक जो हम लोग का है एसके, तो क्वेश्चन नंबर वन में देखते हैं क्या बोलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए, ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है हम लोग को, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखिए करंट रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताइए फटाफट से, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते तो आपको एक मार्क्स कट सकता है, तो फॉर्मूला पहले लिखा दीजिए। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चंस में दिया, आपको क्या चाहिए, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। चलिए यहाँ पे सीए लिख देते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू देखिए क्या क्या दिया हम लोग पास में। सबसे पहले देखिए इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री कहाँ पे जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए आप करंट लायबिलिटीज। अब देखिए जिसमें जो जाएगा उसमें आप पुट आउट करते जाइए। तो देखिए सबसे पहले दिया इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का, प्लस क्या है डेटर्स। इन्वेंट्रीज 12,000 है तो 12,000 साथ में लिखते चलिए। उसके बाद दिया हुआ है डेटर्स हम लोग का, डेटर्स हम लोग का करंट एसेट्स होता है, अमाउंट कितना डेटर्स का 8,000। उसके बाद में है कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक ये भी हम लोग का एसेट्स होता है, अमाउंट कितना है कैश एंड बैंक बैलेंस का 2,500 है। आगे ध्यान दीजिए फिक्स एसेट्स है, क्या फिक्स एसेट्स यहाँ पे हम लोग का कोई काम है? नहीं, क्योंकि भैया ने बता रखा है सिर्फ करंट एसेट्स को लेना, फिक्स एसेट्स तो आता ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स किसका पार्ट है, बिल्कुल सही लायबिलिटीज का, कितना अमाउंट है 4,000 सी। और आगे दिया बिल्स पेबल, हाँ बीपी अमाउंट कितना है 3,000। नेक्स्ट प्रोविजन है, जो प्रोविजन कितना है 3,000, देखिए सही 3,000, हाँ प्रोविजन 3,000। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट, क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट आएगा, सोचिए आप लोग सोचिए लॉन्ग टर्म डेट आने वाला है, नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करंट लायबिलिटीज का बात हो रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, तो लॉन्ग टर्म डेट आने वाला
नहीं है, क्वेश्चंस में इस तरह का बहुत सारा फिगर होगा जो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देगा, लेकिन आपको वही चीज लेना है जो हमने बताया, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है। तो चलिए डिवाइड कीजिए सारा, कितना आ रहा देखिए तो 22,500, यहाँ पे देखिए 10,000, क्या इतना आया है। अब लीजिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से पहले फॉर्मूला लिख के छोड़ देना, उसके बाद लिखना करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाय 10,000, क्या सही है। 2 से 2 0 2 0 कट गया तो 2.25 रेशियो 1। क्या हमने कितना बताया था आप लोगों का आइडियल रेशियो, आइडियल रेशियो हम बताए थे 2:1, जबकि कितना 2.2:1। क्या आप लोग सोचेगा बहुत बेस्ट है? नहीं, ये भी बेस्ट नहीं है, ये भी हम लोग के लिए हार्म ही है। कैसे? क्योंकि ये बताता कंपनी आपके पास में जो करंट एसेट्स इतना रख के आप क्या कर रहे हो, करंट एसेट्स किस चीज के लिए रखो, रखे रखे तुम्हें पैसा बढ़ता है, उसको आप इन्वेस्ट करो कहीं जहां से आपका इनकम हो जाए। मतलब करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो 2:1 होना चाहिए, इससे ना ही कम ना ही इससे ज्यादा, अगर ज्यादा भी होगा तो भी हम लोग के लिए लॉस है, कम होगा तो भी हम लोग के लिए लॉस है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ करंट रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग से। तो आज हम लोग को एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि आगे अगर क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो पहले आ जाता है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो पे क्वेश्चंस करवाते हैं तो फिर हम लोग का बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, क्योंकि क्विक रेशियो का पूरा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो हम लोग के लिए इतना ही काफी आज, और हम लोग याद रखेंगे जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एसके सिंह बुक का लॉन्ग टर्म न्यूमेरिकल है, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म्स वाला नहीं कर रहे। क्लियर? ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, तभी तो हमको पता चलेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए।